मैं वेलकम करती हूँ आपका आपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर आज मैं आपको फॉर्मल ड्रेसिस के ऊपर किस तरीके से पल्टा लगाया जाता है और साथ में लेस को कैसे अटैच किया जाता है उसकी डिटेल्स बताने वाली हूँ इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गलत भी करूँगी ठीक भी करके दिखाऊँगी यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने पलटा लगाना है मैंने उसकी पट्टियाँ कट कर ली हैं गौर कीजिएगा कि मैंने पट्टियाँ कट करके फिर बुक्रम इस पर पे पेस्ट किया है इसमें क्या गलती की है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी अब साइड से मुझे ब्लैक कलर दिख रहा है इस बुक्रम का उसे मुझे कट कर लेना है गौर दीजिएगा कि यहाँ पे अब जब मैं इसको बुकरम कट करूंगी तो भी वो फिनिशिंग के साथ कट नहीं होगा अच्छा एक और चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि पट्टी की चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई साढ़े तीन इंच कट की हुई है अब मुझसे अक्सर महने पूछेंगी कि जीरो का बुकरम ब्लैक कलर में मिल जाता है तो जी जनाब मिल जाता है ये वाइट कलर में भी अवेलेबल है और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है आगे चल के मैं आपको इसकी थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरीके का होता है इसके ऊपर इसके डॉट्स नुमायाँ है वाइट की नस्बत यहाँ पे ज़्यादा नुमाया है अब सबसे पहले जो मैंने बुकरम पेस्ट किया है या पट्टी तैयार की है पलटे के लिए उसका हाफ इंच का मार्जिन मुझे मोड़ लेना है बैक की साइड पे अच्छा कुछ ऐसे स्टफ होते हैं जिसके बैक के ऊपर वाइट कलर का बुकरम दरकार होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसपे ब्लैक इसलिए मैंने ब्लैक को यहाँ पर लगाया है क्योंकि इसके ताने बाने में कहीं ब्लैक कलर आ रहा था स्टफ़ में अब यहाँ पे मैं ये सारा काम आपको एक्स्ट्रा पीस पे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चौक का जैसे हम लोग स्टिच करते हैं तो वहाँ पे बखिया पक्का कर लेना है इसके बाद फ्रंट और बैक के पीसीस को पकड़ने के बाद जितना मार्जिन हमने चौक फोल्डिंग के लिए रखा हुआ होता है उतना हमने फोल्ड करना है दामन को फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए कि दोनों किनारे यानी दोनों चौक पकड़ के इक्वल ऊपर से चौक को बराबर करके नीचे इस तरीके से थोड़ी सी क्रीज बना लेनी है फिर चौक वाले या पूरे दामन को खोल के दोनों पीसीस यानी फ्रंट और बैक को एक साथ रखने के बाद हम लोगों ने इसे प्रेस कर लेना है इस तरीके से सीधी लाइन आएगी अब एक हिस्सा तो टोटली बैक की तरफ फोल्ड हो रहा है एक फ्रंट की तरफ तो जरूरत नहीं है दोबारा से स्त्री करने की इस तरीके से हमें सिर्फ क्रीज लाइन ही चाहिए थी अब वो लोग जो बिगिनर्स हैं लेस को रख के स्टिच नहीं कर सकते उनकी आसानी के लिए लेस जो भी लेनी है उसकी सीधी साइड ऊपर रखनी है हमेशा सीधी साइड ऊपर रखनी है और इसका जितना हिस्सा दिखाना है उतना हिस्सा चौड़े वाले हिस्से की तरफ कपड़े की तरफ और जितना हिस्सा गुम करना है वो सारा पतले हिस्से की तरफ यानी वो जो आधा इंच हमने उस तरफ रखा हुआ है मशीन के उस तरफ जहाँ मेरा राइट हैंड है उसकी तरफ दबा देना है इस तरीके से ले स्टिच करने का एडवांटेज ये होगा कि एक ही सिलाई में ये वाली सिलाई तो वैसे दब जाएगी अंदर की तरफ और एक ही सिलाई में आप लोग आराम से पलटा लगा सकते हैं और जिस तरीके से मैं आप आज आपको सिखाने जा रही हूँ ये और आसान हो जाएगा अब देखिए आराम से इसे मैं इस तरीके से आयरन करूंगी अब मेरी गलती यहां पे देखें मैं स्त्री को बहुत आगे पीछे आगे पीछे झटक रही हूं जिसकी वजह से ये पलटा कहीं ना कहीं रिंकल्स ले रहा है तो यहां पे भी एक बात वाजे कर दूँ लेस के ऊपर आपने हाथ रख के इस की डायरेक्शन एक तरफ ही रखनी है तभी ये लेस आराम से बैठेगी बैक पे मैंने बुकरम लगाया हुआ है तो जिस तरह की भी कोई लेस आपने लगानी है वो आराम से उसके ऊपर आ जाएगी कोई भी खिंचाव इसमें नहीं आएगा कोशिश की जाती है कि चौक के ऊपर पतली लेस लगाई जाए अब हमने चौक का ये वाला हिस्सा जो ऊपर फिटिंग की तरफ आता है उसे एक इंच ऊपर की तरफ से पलटा लगाना शुरू करना है और हाफ इंच पहले मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद ये जो तिल्ले वाली लेस आपको नजर आ रही है इसको मैंने वो क्रीज लाइन से अंदर की तरफ रखना है अब मैं आपको इसे स्टिच करके भी दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरफ से पक्का करेंगे पहले ऊपर और फिर हम ध्यान रखते हुए कि जो हिस्सा हम लोगों ने कपड़े का है यहाँ पे एक दूसरा सवाल मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि जब हम पलटा लगाते हैं तो वो पलट के उसका पाइपिंग की तरह साइड से दिखता है तो अगर आप उसके ऊपर कोने की सिलाई लगाएंगे ना हमेशा लपकी सिलाई लगाएंगे तो कभी भी वो पाइपिंग की सूरत में बाहर नहीं निकलेगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ सबसे पहले मैंने इसे इसी तरीके से प्रेस किया और ये देखिए कितनी कोने की सिलाई आई है मैंने लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगाई कपड़े के ऊपर लगाई है अब इसे यूँ पलट लेना है कुछ ख़ामियाँ जो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये वाला हिस्सा सिलाई का है इसे हमने दबाना है पहले तो मैं इसे आयरन करके दिखाती हूँ ना बज दफ़ा ऐसा होता और मैं भी पहले ऐसे ही किया करती थी कि इस तरीके से पलट के लॉन् वगैरह के ड्रेसेस पे चल जाता है हम ये वाला हिस्सा इस तरह करते थे तो एक सिलाई वाला अलहदिया एक पट्टी नज़र आ रही होती थी और जो हम पलटा लगाते हैं उसका अलहदा कलर नज़र आ रहा था तो अब हमने इसको नई मिस्टेक को दोहराना है हमने नई चीज़ें सीखनी है तो अब क्या होगा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने बुकरम की पट्टी कपड़े की पट्टी कट करने के बाद पेस्ट किया तो ये डिसएडवांटेज देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्लैक कलर है जब इसे मैं पलटूंगी दूसरी साइड के ऊपर तो वाइट वाली साइड से वो ब्लैक कलर नज़र आएगा अब हमने क्या करना है यहाँ पे एक टिप ले लीजिए कि हमेशा जिस कपड़े की पट्टियाँ कट करनी है उस पूरे कपड़े के ऊपर पहले पेस्ट कर लें बुकरम को फिर कटिंग करेंगे तो फाइन आएगा अब मैं आपके सामने यहाँ कट करके दिखा रही हूँ मैंने कहा कि एक ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जिसमें मैं जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स करूँ और उसको ओवरकम कैसे किया जाए ताकि आपको पता चल जाए अच्छा जनाब अब बारी आती है कि इसको हम किस तरीके से मोड़ेंगे तो जो सिलाई हमने पहले लगाते हुए यानी पलटे को और कमीज़ के इस हिस्से को सीते हुए लगाई है वहाँ तक ये पलटा मोड़ने के बाद इसे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद ये पूरी पट्टी बैक की तरफ फोल्ड कर लेनी ऊपर से प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए और ये देखिए इस तरीके से अच्छा यहाँ पे मैंने जगज जैग लेस इस्तेमाल किया आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपके ऊपर है अब यहाँ पे जो हमारा नीचे का कॉर्नर है ये कैसे बनेगा अब जितना हिस्सा मैंने मार्जिन का रखा है इतना पलटा उठा के हमने सामने की तरफ ले आना है इस तरीके की एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसके अंदर मैंने आपको पाइपिन लगाना बताई है लेकिन मैंने सोचा इस दफा मैं आपको पलटा लगाना भी बता दूँ और एक सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि किस तरीके से गुम सिलाई के अंदर लेस एडजस्ट की जाती है तो मैंने वो भी बता दिया है अच्छा जनाब अब हम इसको जब पलट के इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा निकाल देना है और ये पीछे से ऐसे आएगा और अब की दफ़ा सिलाई हमने दोबारा वही ब्राउन कलर के स्टफ़ के ऊपर लगानी मैंने धागे भी चेंज रखे हैं मैंने लेस भी थोड़ी सी डिफरेंट कलर की ली है स्टफ़ भी ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे और जो हमने क्रीज़ लाइन ऑलरेडी बनाई हुई थी और नीचे वाला हिस्सा खोल दिया है जो पलट के आएगा और हमने सिलाई दूसरे हिस्से तक ले जा ख़त्म कर देनी है जिस तरह हमने दामन के पास ले जा ख़त्म की थी अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊँगी कॉर्नर्स बनाने के या तो ये वाला वाइट वाला हिस्सा यहाँ से कट कर लें अब मेरी बहनें कहेंगी कि हम कट क्यों कर लें बाजू का ऐसा भी होता है कि हमें खोलना पड़ जाता है काम गलत होता है तो अगले कॉर्नर पर इसका भी सोल्यूशन बता देती हूँ मैं आपको अगर आपने पलटे का कपड़ा बनारसी मोटा कोई इस्तेमाल करना है तो ये कट थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा लेकिन चूंकि मैंने पलटे का कपड़ा यहाँ पतला इस्तेमाल किया है तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसको ओवरकम कैसे करेंगे आपको जो सहूलत लगती है आप उसके हिसाब से काम कर लीजिएगा अब देखें यहाँ से कोने के ऊपर चढ़ना मुश्किल था हमें ये छुपाना है बेसिकली ये सिलाई हमें छुपानी है तो उससे छुपाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है लेकिन मैंने अगले कॉर्नर पे इसका भी हल निकाल दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो दुश्वारी ना हो अच्छा जनाब इसको आराम से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद वैसे ही दोबारा देखिए मैंने स्टीम इतनी ज़्यादा दे दी इतनी ज़्यादा स्टीम दे काम नहीं किया जा सकता है लेकिन बाजूक हो जाती है गड़बड़ और इसको यूँ ऊपर की तरफ उठा देंगे यानी पूरे की पूरी फोल्डिंग कर देंगे और शर्ट का ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ खींच के यानी जो सिलाई लगाई है उससे दूरी की तरफ खींच के आयरन कर लेना देखिए बन गया परफेक्ट कॉर्नर अब दोबारा से हम वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे यानी सिलाई हमने वैसे लगानी लेकिन इस दफा चौक को फिनिशिंग करने के लिए ऊपर जहाँ पे जाके ख़त्म होगा वहाँ पर हाफ इंच का मार्जन अंदर की तरफ भी मोड़ना है तो यहाँ पे दोबारा से जो हम लोगों ने साइड के चौक के ऊपर क्रीज लाइन बिठाई हुई थी उसी के ऊपर हम सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे दोबारा से यहाँ पे एक मसले का हल तो निकल आया हमारे पास कि हमने लेस को पहले स्टिच कर लिया हुआ था तो हमें लेस बार बार एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने गलतियाँ की हैं और उनको ओवरकम किया है आपको समझने में आसानी हो गई है इस तरह के पलटे आप लोग अमूमन ऐसा होता है ना कि हमने शेफ़ोन का अलहदा से ड्रेस स्टिच करना है नेट का अलहदा से स्टिच करना है हमें अस्तर नहीं लगाना उसके नीचे लगाएं दुपट्टों के कॉर्नर्स भी ऐसे ही बनते हैं मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने दुपट्टे का कॉर्नर तिरछा नहीं बनाया तो देख लें मैं आपके सामने ये लेके हाजिर हो गई हूँ आप देख लीजिएगा अब यहाँ पे जहाँ पे चौक है उसके ऊपर जितना मार्जिन हमें होता है तो चाहे जो पट्टी हमने हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़नी होती है उसकी लेस कट कर दें ताकि यहाँ से मोटा ना हो लेकिन ये लेस चूँकि सिलाई वाला मार्जिन जो साइड की फिटिंग होती है उसे दूसरी तरफ चली जाती होती है तो बस फिर लेस का ध्यान रखिएगा कि लेस ज़्यादा मोटी इस्तेमाल ना करें अच्छा जनाब यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया अब यहाँ पे दूसरा सल्यूशन जो वाइट कलर का कपड़ा है उसको मैंने ठूस दिया उसके अंदर अब मेरा कपड़ा पतला था ये ध्यान रखिएगा तो उसने उसको ओवरकम कर लिया है आप इसे ट्राई करके देख लीजिएगा जो जिस तरह का स्टफ़ आपने इस्तेमाल करना है पहले ऊपर की तरफ जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने फोल्ड किया था इसको आयरन करके क्रीज़ बिठा लेनी है फिर इसे वैसे ही सिलाई के मार्जिन के बराबर बराबर ला इसकी क्रीज बना लेनी है तो वो चला गया अंदर मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद मोटा है लेकिन मैंने जब बाद में देखा तो वो अंदर हाइट भी हो गया था कॉर्नर और उसने कवर भी कर लिया था तो आपके पास सोल्यूशन है आप मैंने आपको बता दिया आप वैसे कॉर्नर बनाना चाहें वैसे बना लीजिए कट करके और अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा अब मैं इसको प्रॉपरली आयरन कर लेती हूँ ये सैंडविच हो जाएगा इसके अंदर और इसे अच्छे से आयरन करने के बाद बैक की तरफ पलट लूँगी तो देखिए परफेक्टली कॉर्नर बन गए कोई दिक्कत नहीं है कोई स्लाइस सामने की तरफ नहीं आई अब बात आती है कि हमने इसे तुरपाई किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ और डिफरेंट कलर के धागे से करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर हम सेम कलर के धागे से करेंगे तो हम इसके कॉर्नर्स कैसे बना सकते हैं तो जनाब ये देखिए कॉर्नर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं अब हमने सुई लेनी है बिल्कुल बारीक पोत वाली तुरपाई का मतलब होता है नज़ाकत से काम करना अगर आप चाहें तो आप मशीन भी इसके ऊपर चला सकते हैं लेकिन फैंसी ड्रेसेस के ऊपर तुरपाई की जाती है तो यहाँ से अंदर की तरफ से मैं सिंगल धागा इस्तेमाल कर रही हूँ तुरपाई में हमेशा सिंगल धागा इस्तेमाल होता है ऐसी जगहों पर यहाँ से धागा पैर निकाला और जहाँ से ऊपर वाले कॉर्नर से धागा निकाला है सीधा उसके नीचे ले जाना है लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कपड़ा जो शर्ट का उसकी तरफ ना जाए और अंदर ही अंदर गुम गुम करते हुए हमने थोड़ा सा दूरी पे लेना है और सामने हमने छोटा सा स्टिच उठा लेना है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हम करते करते कॉर्नर की तरफ आएंगे और मैं आपको साइड की तुरपाई भी थोड़ी सी करके दिखाऊंगी और यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक वाला हिस्सा ही बना के दिखा रही हूँ अब आप चाहें तो जो मैंने आपको पलटा लगाना सिखाया था इसके अंदर आप तिकोनियाँ बना के लगा लें चकोर पीसेस लगा लें फूल कटे हुए मिलते हैं या फूलों की लेस मिलती है वो काट के लगा लें तो मेरे अगली वीडियोस में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कहती हूँ फैंसी ड्रेस वाला पलटा मैंने लगाया है तो मैंने यही मेथड वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा अब देखें यहाँ कॉर्नर पर आ जाती हूँ फिर मैं आपको तुरपाई करके इसे वाइंड अप करती हूँ इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए तुरपाई करते हुए वाइट कलर का स्टफ़ में छोटा सा हिस्सा लिया तिरछी नीडल आगे की तरफ चलती होती है तो तुरपाई वाला धागा नीचे की तरफ छुप जाता है अभी मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ आपको ब्लू कलर भी नहीं दिखेगा तो जनाब ये सब कुछ था जो मुझे आपको दिखाना था आपको सिखाना था अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स मैंने आपको ये आपके सामने करके डिटेल में दिखा भी दिया है उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे प्रैक्टिकली करके मुझे बताइएगा कि आपको यह मेथड कैसा लगा मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नया आइडिया के साथ तब तक के लिए में याद रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह